हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सभी? तो देखिए आज हमने क्या बनाया है, गेस कीजिए। ये काहे की दाल है? ये है चने की दाल जो मैंने लौकी के साथ बनाया है, और देखिए कितनी टेस्टी बनी है। और ये इधर मैंने थाली में चावल निकाल लिए बनाने के लिए। तो चने की दाल की सब्जी या दाल हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो ये मैंने ले लिया है कट करके लौकी, तो इसके लिए ताजी लौकी हो तो ज़्यादा बेटर है। और ये हमने चने की दाल ले लिया जो मैंने रात को इसको डिप कर दिया था, तो ये काफ़ी अच्छी तरह से फूल गई है और कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। तो इसमें अब हम मसाले ऐड कर देंगे। मसालों में हमने नमक डाल दिया है और हल्दी पाउडर। बस अब हम ज़रूरत के अनुसार पानी डालेंगे, जितना हम दाल में पानी डालते हैं, लेकिन थोड़ा सा पानी हमें एक्स्ट्रा डालना है क्योंकि हम चने की दाल को कुक कर रहे हैं लौकी के साथ। अब ये 3 या 4 सीटी आने तक इसको हम पकाएंगे। तो इधर हमारी दाल हो गई है कुक। अब हमने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है और सबसे पहले हम दाल को बाउल में निकालेंगे। जो लौकी नहीं पकी है तो उसको हम मैश कर देंगे। अब इधर हम डालेंगे तेल। तेल सरसों का होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। अब इसी में डालेंगे 2 लाल मिर्च और डालेंगे जीरा। और इसमें हमारे पास टमाटर, लहसुन, अदरक, मिर्ची का पेस्ट है। तो इधर हम निकाल लेते हैं चावल। जब तक मसाला हमारा कुक हो रहा है तो ये हमने चावल निकाल लिए हैं। अब हम मसाले को एक बार चेक करेंगे। तो देखिए मसाला हमारा कुक हो रहा है। अब इसमें हम दाल को ऐड कर देंगे। अब इसमें हमने थोड़ा सा सब्जी मसाला ऐड किया है। और ये थोड़ा धनिया मिर्ची का पाउडर। तो इस दाल को आप चाहे तो राइस के साथ खाएं, चाहे तो पराठा, रोटी, सांभर, बिल्कुल सांभर जैसा ही इसका टेस्ट लग रहा है। और ये सांभर जैसा ही बिल्कुल बना है, तो आप इसे डोसे के साथ भी खा सकते हैं, इडली के साथ भी खा सकते हैं। एक बार बनाइएगा इस तरीके से, फिर हमको बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो इसको मैंने 10 मिनट तक अच्छी तरह से कुक किया है। देखिए काफ़ी गल गई है और बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, और देखने में भी काफ़ी यम्मी लग रही है, उतनी ही खाने में भी यम्मी लग रही है। और इधर हमने चावल निकाले थे, तो चलिए चावल भी चढ़ा देते हैं और फटाफट खाना बना लेते हैं। फ्रेंड्स, खाना मेरा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए यम्मी यम्मी चने की दाल लौकी के साथ, और बनाया है राइस। और रोटी मैंने बनाई नहीं, सब्जी मैंने बनाई नहीं, क्योंकि बहुत हो रही है इस टाइम गर्मी, तो बस रोटी सब्जी कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है। इसलिए मस्त मस्त मैंने दाल बना ली है, और बना लिया है चावल, और बनाया है बूंदी का रायता। तो चलिए आपको बूंदी का रायता भी दिखाते हैं हमने कैसे बनाया है। सबसे पहले हम दाल और चावल को निकाल देते हैं बच्चों के लिए। बच्चों को लगी है भूख। तो ये खाना हमारा बच्चों के लिए निकल के तैयार हो गया है। दाल का टेस्ट और दाल का कलर देखिए, देख के ही मुंह में पानी आ गया। फिर इधर हम रायते की तैयारी कर लेते हैं। तो ये नॉर्मल पानी में हमने बूंदी को डाल दिया है। ये हमारे पास बूंदी है नमकीन वाली,
तो इसको 5 मिनट तक हम पानी में भिगा देंगे पहले। मिनट होने के बाद गरम तेल में मैंने जीरा को ऐड किया है और इसको मसाला लगा दिया है। अब इसमें डाल देंगे हम छाछ, ये हमारे पास मसाले वाला छाछ है, आप नॉर्मल छाछ भी ले सकते हैं। और मिक्स किया इसमें धनिया मिर्ची का हल्का सा पाउडर, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाए। और ये काला नमक और ये थोड़ा से हमने इसमें रायता मसाला भी ऐड किया है, जिससे रायते का टेस्ट और भी बढ़ जाए। और ये थोड़ा सा चाट मसाला, तो सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और खाना हमारा बनके तैयार हो गया है फ्रेंड। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर